हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपने सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं नैनीताल के लिए। तो हमारे सफ़र की शुरुआत जो करते हैं हम, वो करते हैं हल्द्वानी से। बेसिकली मैं मुरादाबाद से हूँ, तो मैं मुरादाबाद से ही स्टार्ट करता हूँ सफ़र की, बस मैं वहाँ से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ सम इशू की वजह से। तो हल्द्वानी के लिए क्या प्रोसेस है मैं वो आपको बताता रहूँगा वीडियो में आगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका सेकंड पार्ट भी गाइस जल्दी आएगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको, हम निकलते हैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से जो हल्द्वानी तक के लिए बस मिलती हैं उसकी जो कॉस्ट है वो है 177 की पर पर्सन, ठीक है। उसके बाद फिर हल्द्वानी से हम नैनीताल के लिए जाते हैं, जो उसकी कॉस्ट है 85 है। तो ये जो आप सिनेमेटिक शॉट देख रहे हैं ये उसी बस से लिए गए हैं, ये सारे हम हल्द्वानी से नैनीताल के लिए जा रहे होते हैं, तो ये सब वहीं के शॉट्स हैं। तो काफ़ी इन्जॉयफुल ट्रिप रहा, मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे करके क्या क्या होता है। पर आप सच में, इतनी ब्यूटीफुल जगह है नैनीताल, और सबसे कम मतलब टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप जा सकते हो, और अगर बजट की भी प्रॉब्लम है तो भी जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए नैनीताल के लिए। गाइस मैं बताऊँ आपको, काफ़ी लो बजट है और आप जा सकते हो। मैं आपको बजट के बारे में बता दूँगा, कहाँ रुकना है, रेंट वेंट मैं वो सब बताऊँगा आपको, कैसे घूमना है, क्या क्या पॉइंट्स आप देख सकते हो, वो सब मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नैनीताल में, 5-6 घंटे के लंबे सफ़र के बाद, दो बसें बदलने के बाद और काफ़ी सारे ट्रैफिक के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं नैनीताल में। और यहाँ की वाइब सच में बहुत अमेजिंग है। तो ये नैनी लेक है, वैसे तो सबको पता ही है नैनीताल के बारे में, ज़्यादातर सब लोग घूमे हुए हैं, पर फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी फेमस जगह है और काफ़ी अच्छी वाइब मिलती है यहाँ पर। तो ये मॉल रोड है, ये काफ़ी फेमस मॉल रोड है यहाँ का, जो काफ़ी ट्रैफिक फुल रहता है और काफ़ी खूबसूरत भी है। यहाँ के सारे मतलब एकदम सिटी जो है, सिटी ऑफ लेक जो बोलते हैं इसको नैनीताल को, सही में कुछ सोच कर ही बोला जाता है, क्योंकि ये जो वाइब मिलती है ना, मतलब आप इसको कैमरे में कैप्चर कर ही नहीं सकते इस वाइब को। अगर आप वहाँ जाके देखोगे, फील करोगे उस वाइब को, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ की क्या फील है। और जो पहाड़ों में घर बने हुए हैं, और यहाँ इस लेक में मछली भी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मछली हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा मेरा, तो जितना भी था सफ़र, मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गया था, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है, कॉलेज भी जाना होता है, उस चक्कर में 2 दिन की छुट्टी थी, तो उसी की वजह से मैं 2 दिन के लिए ही गया था, और काफ़ी मज़ा आया था मेरे को इस ट्रिप पर। तो पहले दिन तो हम गाइस बिल्कुल भी घूमे नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमारी बस जो आई थी वो 4 बजे पहुंची थी नैनीताल में, तो टाइम भी नहीं बचा था हमारे पास घूमने का। तो हमने रूम लिया था, 1500 रुपये में रूम मिल गया था गाइस हमें 3 पर्सन्स को। तो हमने अगले दिन का प्लान करा था घूमने के लिए। और यहाँ की मॉर्निंग तो काफ़ी अमेजिंग है, यहाँ पर जो सनराइज़ होता है ना गाइस, वो बहुत अमेजिंग है। मतलब आप देख सकते हो एक साइड पर सनराइज़ हो रहा है, उसकी सूरज की किरणें जो हैं, सन की किरणें हैं वो पड़ रही हैं, और एक साइड नहीं पड़ रही है। मतलब काफ़ी अमेजिंग व्यू था, फ़ोन में आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते, मैं बता रहा था पहले ही आपको, इसको आप जब लाइव देखोगे तो आपको फील होगा। तो हम सबसे पहले एक टैक्सी लेते हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम व्हीकल से तो आए नहीं थे किसी अपने, तो हमने टैक्सी बुक करी थी। टैक्सी की जो प्राइस थी वो 12-13 पॉइंट घुमाएंगे भैया कह रहे थे, और जो काफ़ी सारे पॉइंट घुमाएंगे, और उसका जो प्राइस था वो 1500 रुपये था, 500 रुपये पर पर्सन था, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट बता रहे थे, ये बता रहे थे हमें हिमालय दर्शन का। तो पहले हम सबसे पहले हिमालय दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये है हिमालय दर्शन, तो 15 मिनट का रास्ता है नैनी लेक से यहाँ तक के लिए, और व्हीकल से आप जल्दी आ जाओगे। तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई, हम मॉर्निंग में हिमालय दर्शन के लिए आ गए और यहाँ काफ़ी फॉग था, हमें कोई हिमालय दर्शन नहीं हुए, बस थोड़ा फॉग दिख रहा था चारों तरफ और कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ रुकने का कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं था हिमालय दर्शन, क्योंकि हमें लेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें आज ही घर जाना था, तो इस वजह से हिमालय दर्शन तो हुए नहीं जिस तरीके से हम चाह रहे थे हों, तो उस तरीके से नहीं हुए। देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं गाइस काफ़ी अच्छा रहेगा अगला पॉइंट हो सकता है।
तो फाइनली हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और ये हिमालय दर्शन से कुछ पाँच किलोमीटर है यहाँ से, पाँच भी किलोमीटर नहीं है, 5 मिनट लगे सिर्फ हमें पहुंचने में यहाँ तक। और रास्ते में हमारी गाड़ी भी पंचर हो गई थी तो इस वजह से और ज़्यादा टाइम लग गया। और ये नैनीताल व्यू मिलता है यहाँ से, पूरा नैनीताल दिखता है। और इस व्यू पॉइंट को बोलते हैं मैंगो शेप लेक व्यू बोलते हैं इसको, कि यहाँ से आम के आकार में लेक दिखती है, इस वजह से यहाँ बोला जाता है उसको, आम के आकार में दिखती है। तो और यहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है और जो व्यू मतलब मिलता है ना यहाँ से काफ़ी अमेजिंग होता है। और ये काफ़ी पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि कई पिक्चरों में मैंने भी देखा है ये। एक सिर्फ तो मूवी आई थी उसमें गाने थे, उसमें था यहाँ पे जो सिनेमेटिक शॉट थे इसकी यहाँ से लिए गए थे, तो काफ़ी अच्छे रहे यहाँ के शॉट जितने भी थे। तो वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं हम, 5 मिनट रुकते हैं और वहाँ से फिर हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा सूखा ताल। तो जो सूखा ताल है वह भी एक पॉइंट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मतलब लोकेशन है घूमने के लिए। तो उस पर क्या होता है, वो बरसात के मौसम में भरता है बस। और वैसे अगर उसको भरोगे तुम नेचुरली, अगर उसको मतलब नेचुरली नहीं भरोगे या किसी भी चीज़ से भरोगे तो वो भरा नहीं जाता है, वो खाली हो जाता है, उसको कितना ही भर लो तो वो हमेशा सूखा ताल ही रहता है। तो इस वजह से उसका नाम भी सूखा ताल पड़ गया है। तो वो पॉइंट भी है, इंक्लूड किया है इन्होंने, देखते हैं कैसा होता है, मैंने तो देखा भी नहीं है इससे पहले कभी। मैं नैनीताल भी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम है मेरा नैनीताल में ही। तो आया था तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, सबको दिखाएंगे। तो सूखा ताल तो कोई खास मेरे को लगा नहीं, मतलब ठीक ठाक ही लगा। पर हाँ मेरे को ये लोकेशन बहुत पसंद आई, इसको बारह पत्थर बोलते हैं। तो ये जहाँ आर्मी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी के जितने ऑफिसर्स होते हैं, जो भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं अपनी मॉर्निंग में। 12 पत्थर जो हमारी वीडियो की आज की लास्ट लोकेशन थी। तो आपको और अमेजिंग वीडियोस मिलेंगी और अमेजिंग पॉइंट बताऊंगा मैं इसे, सुसाइड पॉइंट, लवर्स लेक और खुतवा ताल और वाटरफॉल, काफ़ी लोकेशंस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सेकेंड पार्ट इसका जल्दी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।